गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू डिवाइड बाई टू डिजिट क्लास फोर। आज मैं आप लोगों को डिवाइड बाई टू डिजिट का रिकैप वीडियो बता रही हूँ, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एड एंड सब्ट्रैक्ट, हम लोग सब कुछ देख चुके हैं। इससे कुछ रिलेटेड हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। रिकैप देखेंगे वीडियो। डिवाइड बाई टू डिजिट, टू डिजिट को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं आज हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है 5796 by 16 को डिवाइड करना है 5796 से, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 16 को डिवाइड करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखेंगे कि 57 ये 16 की टेबल में है या नहीं है, ठीक है। तो 16 की टेबल में 57 नहीं है, उससे कम हमारा क्या है 48 है, और कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 3 जा 48 लगाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 57 से 48 को, क्या आएगा मेरा 7 से 8 नहीं जाता है, कैरी लेंगे, बोरो लेंगे, 17 से 8 गया 9 यहाँ कट गया, फिर 9 को हम लोग ठीक वैसे ही नोट कर लेंगे, यहाँ पे उतार लेंगे। अब हम लोग 16 को 90 देखेंगे कि 99 आता है या नहीं आता, तो 16 के टेबल 99 से कम क्या आता है, 96 आता है, और कितने टाइम्स में आता है, तो 6 टाइम और 96 लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि 99 से 96 सब्ट्रैक होगा तो क्या आएगा, 3, यहाँ पे 6 बचा, वो 6 हम लोग वैसे ही यहाँ पे नोट कर देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 16 के टेबल में 36 आता है या नहीं आता, तो 16 के टेबल में 36 नहीं आता है, 36 से कम क्या आता है, 32, और कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे, यहाँ पे 32 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक करेंगे, रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा, 4, आंसर क्या है मेरा 362, रिमाइंडर 4, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 3 डिजिट का डिवाइड, डिवाइड बाई 3 डिजिट, यहाँ पे दिया हुआ है 371,654 डिवाइड बाई 968, इसको हम लोग को डिवाइड करना है 968 को 371,654 से। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिवाइड किए, यहाँ देखते हैं कि हम लोग 3968 दिया हुआ, और यहाँ पे 3 डिजिट अगर हम लोग देखेंगे तो 371 है, तो इसलिए नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग 4 डिजिट लेंगे। 4 डिजिट में मेरा क्या आ रहा है, ये 3716। अब हमको देखना है कि 968 के टेबल में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देखेंगे। यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 968 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2904। हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट मेरा क्या आएगा, 812 आएगा, ठीक है, 812, यहाँ पे 812 है, और यहाँ पे 964 जाएगा, क्योंकि ये लेस देन है और डिवाइज़र हमारा क्या है, ग्रेटर देन है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 इसके सामने नोट कर देंगे 812 के पास, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 5 नोट किए। अब हम लोग देखेंगे 968 के टेबल में 8125 है, नहीं है, क्या है उससे कम, ये 7744 है, और कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स, तो 8 से हम लोग मल्टी ये डिवाइड करेंगे ना, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग वही चीज़ नोट कर देंगे 7744, उसके बाद हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा मेरा आंसर, 381 आया, यहाँ पे 968 है, क्या 968 से 381 जाएगा, नहीं जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, 4 जो बचा हुआ है ठीक इसके नीचे नोट कर देंगे 3814 के पास, ठीक है, यहाँ पे नोट कर दिए। अब हम लोग देखेंगे कि 968 के टेबल में क्या 3814 आता है, नहीं आता है, उससे कम क्या आता है, 2904 आता है, कितना बार, कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको बनाएंगे तो क्या आया 2904, उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 910 आएगा, ठीक है। तो मेरा टोटल आंसर क्या आ रहा है, 383 रिमाइंडर 910 आ रहा है, ठीक है, ये हमारा 3 डिजिट का डिवाइड है। अब हम लोग देखेंगे सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई हम लोग कैसे बताते हैं, मैंने बता चुका था, इसमें हम लोग रिकैप देखेंगे कैसे बनाते हैं हम फिर से, ठीक है। 50 डिवाइडेड 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 माइनस 6 डिवाइडेड 6 मल्टीप्लाई 6, ना सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, सिंप्लीफाई में मैंने बताया था, सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ना ब्रैकेट है तो इसलिए हम लोग ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे, ऑफ का भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिवाइड का यूज़ करेंगे,
क्योंकि बोर्ड मास में हम लोग यही रूल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड का रूल यूज़ करेंगे। 10 से 50 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 5 प्लस साइन है, वैसे ही का वैसे ही नोट कर देंगे। 7 मल्टीप्लाई 8, वैसे ही का वैसे ही हम लोग लिख लेंगे। माइनस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई का यूज़। ठीक है, 5 का 5 वैसे ही नोट करेंगे हम लोग। प्लस 5, ये 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 56। माइनस का साइन माइनस देंगे। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। अब हम लोग किसका यूज़ करते हैं? प्लस का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? 5 को 56 से प्लस करेंगे, क्या आएगा? 61 माइनस 6। मेरा लास्ट आंसर क्या आएगा? 61 में से 6 किया 55। ये मेरा सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई में हम लोग बोर्ड मास का यूज़ करते हैं। ठीक है, बोर्ड मास में हम लोग ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, लास्ट में हम लोग सब्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फैक्टर ट्री है। फैक्टर ट्री हम लोग बनाएंगे, मैंने बताया था कैसे बनाया जाता है, मैं फिर से इसका रिव्यू करवा रही हूँ। ठीक है, 60 का हम लोग फैक्टर ट्री बनाएंगे। तो 60 हम लोग क्या करेंगे? 2 × 30 कर देंगे, दो सर्कल बनाएंगे, उसमें 2 × 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60। अब 30 को हम लोग दो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो 2 × 15 = 30। फिर 15 को हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। 3 × 5 = 15। मेरा 60 का फैक्टर ट्री क्या आ रहा है? 2 × 2 × 3 × 5, ये हमारा 60 का फैक्टर ट्री है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग SCF कहते हैं। ठीक है, फाइंड द SCF 4 एंड 54 दिया हुआ है, हम लोग इसको बनाएंगे। SCF सबसे पहले हम लोग लिस्ट टेबल का यूज़ करेंगे। तो लिस्ट टेबल मेरा क्या आता है? 2 आता है। 2 के टेबल से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको। 2 × 9 = 18, तो ये 12 × 2 = 24 और 27 × 2 = 54 आता है। ठीक है, ये कट गया, लास्ट में मेरा ये आया। अब हम लोग 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 × 9 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27 हो गया। अब ये हमारा टोटल क्या है? ये अलग अलग डिजिट के टेबल्स है, इसलिए हम लोग इसको नहीं करेंगे। ठीक है, SCF में हम लोग क्या करते हैं? तीनों डिजिट जो है हमारा, वो क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, वहीं तक हम लोग करेंगे। अगर एक भी डिजिट है हमारा डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग वहीं पे ब्लॉक कर देंगे, ये रुक जाएंगे। ठीक है, SCF ऑफ 18, 24 एंड 54, इसका SCF क्या आएगा? 2 × 3 = 6। ठीक है, नीचे का डिजिट हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, वो LCM हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग देखेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग LCM बोलते हैं। फाइंड LCM ऑफ 12, 16 एंड 40। अब हम लोग इसका LCM बनाएंगे। 12, 16 एंड 40 का सबसे पहले हम लोग 2 का टेबल यूज़ करेंगे। 2 × 16, 2 × 10 = 40। ठीक है, कट गया। अब हम लोग फिर 2 से करेंगे, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 10 = 20, कट गया। अब ये जा रहा है फिर, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे? 2, 3 का 3 वैसे ही जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। 2, 2 = 4, 2, 5 = 10, ये लास्ट हमारा आ गया। ये तीनों अलग अलग डिजिट है, अगर दो डिजिट भी सेम रहता तो हम लोग यहाँ लगा सकते थे, क्योंकि LCM है। ठीक है, बट SCF में हम लोग यहाँ पे अगर दो डिजिट डिवाइड हो रहा है, थर्ड डिजिट डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम लोग वहाँ पे नहीं करेंगे, वहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे। लेकिन LCM में अगर हमारा दो डिजिट डिवाइड हो रहा है तो हम लोग उसको लगाएंगे। यहाँ पे तीनों अलग अलग टेबल्स आ गए, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। SCF ऑफ 12, 16 एंड 40 = क्या होगा? 2 × 2 × 3 × 2 × 5, यहाँ पे लास्ट आंसर क्या हो जाएगा? 240। ठीक है, दैट्स ऑल एवरीबॉडी।